और चलिए वक्त हो गया है मॉर्निंग ब्रेकिंग का, यानी कि वो खबरें आपको हम बताएंगे जो इस वक्त बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर को हटाया या सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई फैसला सीबीआई डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी से मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोक वर्मा फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे। आलोक वर्मा का 2 साल का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दलील दी कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर लिया गया था। ये कानूनी मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निष्पक्षता स्वायत्तता बनाई है और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी खड़ा किया है। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज भी जारी है। 2 दिन की हड़ताल के पहले दिन देश के कुछ राज्यों में असर दिखा। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ट्रेन रोकी गई और हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई। तिरुवनंतपुरम में बंद समर्थकों ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, इस वजह से कुछ ट्रेन लेट हुई। वहीं नॉर्थ 24 परगना में जबरदस्ती बाजार बंद कर रहे सीपीएम समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस समर्थकों से टकराव भी हुआ। भुवनेश्वर में सड़कों पर टायर जलाकर गाड़ियों को रोका गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नीलावाया हमले में शामिल हुए इन 3 नक्सलियों को अनूपपुर के जंगलों से पकड़ा गया है। उस हमले में एक पत्रकार और पुलिस के 3 जवान शहीद हुए थे। पकड़े गए नक्सली ने पुलिस को बताया कि नीलावाया हमले में 50 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली शामिल थे। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों की गिरफ्तारी से कई साजिशों का खुलासा होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा से यूपी में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी 3:15 बजे खेरिया में एयरफोर्स के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम कोठी मीना बाजार मैदान जाएंगे, जहां 5100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। आगरा से पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर जाएंगे, जहां वो 3150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मोदी आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की आधारशिला रखेंगे और इसके तहत 30,000 घरों को बनाने की योजना है। इसका फायदा बेघर, कचरा बीनने वाले और रिक्शा चालक समेत दूसरे गरीबों को मिलेगा। इसके अलावा पीएम सोलापुर उस्मानाबाद के बीच 4 लेन के हाईवे की योजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। बाद में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को आतंकवाद की वजह बताया। उमर ने कहा कि युवाओं के लिए नौकरियां नहीं होने से उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में वो हथियार उठा रहे हैं। उमर ने दावा किया कि जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तब चेनाब घाटी आतंकवाद मुक्त क्षेत्र घोषित हो गया था, लेकिन अब वहां से भी आतंकवादी गतिविधियों वाली खबरें आती रहती है। और ये फिर जबानी नहीं होगा, कागजी तौर होगा। हमें पता होगा ना किस इलाके में किस नौजवान ने कितना काम किया, कितने वोटर इन्फ्लुएंस है, कितने वोटरों को उन्होंने आगे बढ़ाया। बाकी जैसे मैंने कहा, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में। हम इख्तदार, सिर्फ इख्तदार को हासिल करने के लिए हम इलेक्शन नहीं लड़ते। इख्तदार वो जरिया है, वो तरीका है, वो ताकत है जिससे हम अपने मंजिल तक पहुंच सके। और हमारा मंजिल क्या है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारा मंजिल वो है जम्मू कश्मीर को उस ऊंचाई पर पहुंचाना जहां पर हर नौजवान को ये लगे कि हाँ मेरा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है। मुझे एक एक अमन से भरा हुआ, एक प्यार से भरा हुआ, एक मौकों से भरा हुआ जम्मू कश्मीर जो है वो मिल रहा है। बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए यूपी सरकार नकल माफिया पर नकेल कसने की तैयारी में है। नकल करने वाले गिरोहों के खिलाफ सरकार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो परीक्षा केंद्र नकल करवाने के लिए बदनाम है उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
जिलों के हिसाब से संदिग्ध परीक्षा केंद्रों की लिस्ट बनाई गई है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन आधार से लिंक किया गया है। यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी और 16 दिनों तक चलेंगी। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के फ्लाईओवर से बीती रात एक कार नीचे गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे तेज रफ्तार कार अंधेरे से पवई की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। कार चला रहे मुकुंद भंडारे को स्थानीय लोगों ने निकाला और राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर के नशे में होने से हुआ था या फिर कार का ब्रेक फेल हो गया। दिल्ली पुलिस के करावल नगर थाने की पुलिस ने 35 लोगों की जान बचाई है। 7 जनवरी को यहां एक 4 मंजिला इमारत में आग लगी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय इमारत में 35 से 40 लोग फंसे थे और इस दौरान फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम का इंतजार करने में कई लोगों की जान जा सकती थी। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी जान की परवाह किए बिना रस्सियों और सीढ़ियों से बिल्डिंग में दाखिल हुए और एक एक कर 35 लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपने पुलिसकर्मियों की बेहतरीन काम के लिए तारीफ की। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के रामसू इलाके में नाबालिग लड़की से रेप को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। 4 जनवरी से जम्मू के SMGS अस्पताल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। पूरे मामले की जांच SIT कर रही है, जिसने फिलहाल एक आरोपी संजू को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी। बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनमें से मदर ने जो है कंप्लेंट की हमारे पास, और उस कंप्लेंट की बेसिस पर इमीडिएटली हमने FIR रजिस्टर किया। अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट किसी एक बंदे का नाम, जिसका उन्होंने नाम लिखा था, वो संजू सन ऑफ गजा सिंह, उसको इमीडिएटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई स्पेशल, जिसने मौके पर जाकर उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उसे हम ले आए। इसमें जो बच्ची है उससे भी दरियाफ्त की हमने, और दरियाफ्त में भी उसने बच्ची ने एक ही बंदे का तब नाम बताया था। बर्फबारी से बेहाल कश्मीर के दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कटा हुआ है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी, बांदीपोरा के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी से ठंडक भी काफी बढ़ी है। महिलाओं को कड़ाके की ठंड में पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। बारामूला के उरी सेक्टर में कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो बंद हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे कंधे पर उठाकर ले जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब लोगों की उम्मीद प्रशासन पर टिकी है कि वो रास्तों से बर्फ हटाएं ताकि उन्हें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।